हेलो दोस्तों, एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उसका टॉपिक है हमारा त्रिभुज या ट्रायंगल्स। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन आज हम इसका ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। हम जानेंगे कि इसको कोणों के हिसाब से किस तरीके से अलग अलग प्रकार में बांटा गया है, इसकी भुजाओं के आधार पर किस प्रकार से बांटा गया है, इससे जुड़े क्या क्या शब्दावली हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, और इससे जुड़े सवाल आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज की। तो मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज होता है तीन भुजाओं और तीन शीर्षों पर व्याप्त एक बहुभुज, बहुभुज जिसे हम पॉलीगन भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं और तीन शीर्षों पर व्याप्त एक बहुभुज या पॉलीगन। मतलब मैं अगर देखूं तो ये तीन भुजाएं हो गई मेरी और ये तीन शीर्ष हो गए, इसे मैं ए बी सी इसे चिन्हित कर देता हूँ। तो तीन भुजाएं हैं ये मेरी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है। और फिर क्या दिया, तीन शीर्ष, तो एक शीर्ष ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये शीर्ष हो गया। तो इस तरीके से एक त्रिभुज का निर्माण होता है ना। अब इससे जुड़े क्या क्या शब्दावली हैं, जो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं उनके बारे में हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी शब्दावली जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी अभिलंब। क्या है? अभिलंब, या जिसे एल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। क्या होती है दोस्तों अभिलंब, आइए देख लेते हैं। दोस्तों अभिलंब होता है किसी भी एक शीर्ष पर डाला गया, किसी भी एक शीर्ष पर एक विपरीत भुजा में डाला गया लंब कहलाता है हमारा अभिलंब। क्या कहलाता है? किसी भी एक विपरीत भुजा पर, विपरीत भुजा पर एक शीर्ष से डाला गया लंब क्या कहलाता है? हमारा अभिलंब कहलाता है, या जिसे क्या कह सकते हैं? एल्टीट्यूड। मतलब आप समझ लीजिए, इस शीट से भी मैं अगर इस विपरीत दिशा में एक लंब बना लूं और इस विपरीत दिशा से भी एक लंब बना लूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जितने भी बनेंगे ये सब मेरे 90 अंश के बनेंगे, 90 अंश के कोण बनेंगे ये सारे के सारे। तो हमें याद रखना है अभिलंब हमेशा एक 90 अंश का कोण बनाता है, और अभिलंब या एल्टीट्यूड इसे क्या कह सकते हैं? किसी भी एक शीर्ष से दूसरी विपरीत भुजा पर बनाने वाला लंब कहलाता है हमारा अभिलंब या एल्टीट्यूड, ठीक है। और इसमें एक और टर्म जो आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी केंद्रक। तो आइए केंद्रक के बारे में देख लेते हैं क्या होता है केंद्रक। तो दोस्तों केंद्रक क्या होता है? केंद्रक या सेंट्रोइड जिसे हम कह सकते हैं, केंद्रक तीनों भुजाओं की मध्यिकाओं से, या तीनों भुजाओं की मध्यिकाओं से मिलने वाला बिंदु। मान लीजिए ये इस भुजा का मध्य ये है, इस भुजा का मध्य ये है, इसका मध्य ये है, इन भुजाओं से मिलने वाला, मतलब ये इधर से और ये, ठीक है। तो ये भुजाएं मेरी कैसी थी, इसको मान लीजिए मैं इधर जो हमने अभिलंब बनाया था उसके आधार पे मैं ये बता सकता हूँ। तो तीन मध्यिकाएं, तीन अलग अलग मध्यिकाएं जो तीनों भुजाओं की मध्य की हैं, उनके बीच में बनने वाला जो बिंदु रहता है उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं हम उसे? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो तीनों भुजाओं की मध्यिका के बीच में बनने वाले
केंद्र को केंद्रक कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ध्यान में रखने की क्या है, जो केंद्रक होता है वो प्रत्येक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में काटता है। तो क्या ध्यान में रखना है हमें, जो केंद्रक होता है वह प्रत्येक मध्यिका वह प्रत्येक मध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्यिका को 2:1 के अनुपात में यह बांटता है। कौन बांटता है, हमारा केंद्रक बांटता है। तो दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया त्रिभुज की शब्दावलियों के बारे में। अब हम देख लेते हैं अगर त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर बांटा जाए तो वह कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए वो प्रकार हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वर्ग 3, जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस परीक्षा ऐप में अवेलेबल हैं। आप जाइए, आपको प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करनी है और वहां से आप वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस में अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं। डेली 3 क्लासेस, जी हाँ दोस्तों, 6:15, 7:15 और 8:15, ये 3 टाइम पे डेली 1-1 घंटे की क्लास लग रही है। आपके पांचों विषय, आपका गणित, आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी और पर्यावरण, ये पांचों सब्जेक्ट डेली अल्टरनेट वाइज में 1-1 घंटे की क्लास में कवर किए जा रहे हैं और ये क्लासेस 12 जनवरी से चालू हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जल्द से जल्द जाइए, इसमें एनरोल करिए अपने आप को, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपके एग्जाम की तैयारी के लिए कम समय बचा है। ये वीडियो कोर्स आपको 4999 में परीक्षा में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप शिक्षक 25, जी हाँ दोस्तों, शिक्षक 25 ये कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको ये वीडियो कोड सीधे 3749 में मिल जाएंगे। दोस्तों जल्द से जल्द जाइए और परीक्षा ऐप में इस वर्ग 3 के वीडियो कोर्स में अपने आप को एनरोल करवाइए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बच गए हैं अब आपको एग्जाम की तैयारी के लिए। और वहां जाइए, जो भी डाउट्स आपको जा रही हैं वो फैकल्टी से पूछिए और उसका समाधान पाइए, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण की। तो दोस्तों भुजाओं के आधार पर 3 तरीके से वर्गीकरण होता है। कितने तरीके से वर्गीकरण होता है, 3 तरीके से। सबसे पहला होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, या जैसे क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कह सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं जो होती हैं त्रिभुज की वह बराबर होती है। तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो मान लीजिए इस तरीके का ये कुछ डायग्राम बनेगा जिसमें ए बी सी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होता है इसमें, ठीक है। और इसमें एक और ध्यान रखने वाली चीज क्या है दोस्तों, कि जो इसके कोण होते हैं, जितने भी कोण होते हैं इसमें, मतलब मान लीजिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, ये तीनों के तीनों कितने के बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं, ये 60 डिग्री के बराबर होते हैं। और फिर जब तीनों को जोड़ा जाएगा तो 180 डिग्री, जब 180 डिग्री आ जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि यह एक त्रिभुज है और इसमें प्रत्येक कोण कितने के होते हैं, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो आपको याद रखना है समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं और तीनों कोण भी उसके बराबर होते हैं, है ना। फिर इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे त्रिभुज के बारे में, दूसरे प्रकार के त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज का दूसरा प्रकार है वो है समद्विबाहु त्रिभुज, या इंग्लिश में इसे कह सकते हैं आइसोसेलस ट्रायंगल।
ठीक है, क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज की खासियत क्या होती है कि इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु में तीन थी, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर ये एक डायग्राम है, इसमें ए बी सी, तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैं लिख सकता हूं ए बी बराबर ए सी। ठीक है, यहां से मैं ये बता सकता हूं कि ए बी और ए सी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में आपको क्या याद रखना है कि इसमें कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये आपके जब भी आप सवाल में कभी आपको दे दिया जाए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें एक भुजा ऐसी है और दूसरी भुजा के बारे में नहीं दिया, तो आप उसमें ज्ञात कर सकते हैं कि दूसरी भुजा समद्विबाहु में उसके बराबर होती है, और जो तीसरी होती है वह सबसे बड़ी या सबसे छोटी भी हो सकती है, दोनों चीज़ें इसमें पॉसिबल हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि जो विपरीत दिशा वाली या जो ये भुजाएँ होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्राइंगल। चलिए अब बात कर लेते हैं हम तीसरे और आखिरी प्रकार में, मतलब अगर भुजाओं के आधार पर तीन वर्गीकरण करे गए थे, मैंने आपको बताया था, पहले हमने समबाहु पढ़ लिया, दूसरा समद्विबाहु, अब तीसरे की बात कर लेते हैं हम। तो चलिए बात करते हैं तीसरे प्रकार की। तो तीसरा प्रकार होता है हमारा विषमबाहु, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में क्या ध्यान रखना है, इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि विषमबाहु वह त्रिभुज होता है जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर हुई थी, समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर हो रही थी, और विषमबाहु जो त्रिभुज है उसमें किसी प्रकार की कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। मतलब इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ भी हम बना सकते हैं, जहां पे तीनों भुजाओं को हमें ध्यान में रखना है कि बराबर नहीं होंगी। तो ए बी सी, यहां से आप देख सकते हैं कि ए बी सबसे छोटी है, उससे बड़ी ए सी ही है भुजा, और सबसे बड़ी कौन सी भुजा है, बी सी। तो यहां पे क्या ध्यान रखना है हमें कि बी सी सबसे बड़ी है, फिर ए सी सबसे बड़ी है, और सबसे आखिरी में ए बी है, है ना। तो ये याद रखना है कि जो आपका विषमबाहु त्रिभुज होता है उसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं, है ना। ये तो हमने कर लिया भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण। अब हम बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर, जो कोण बनते हैं त्रिभुज के अंदर, जो भी कोण बनते हैं उनके आधार पर अगर वर्गीकरण किया जाएगा तो कितने प्रकार के वर्गीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कोणों के आधार पे वर्गीकरण, और कौन से कोणों के आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, आंतरिक कोणों के आधार पर। आंतरिक कोणों के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, और उससे हमें ये स्पष्ट होगा कि कितने प्रकार के इसके वर्गीकरण किए जा सकते हैं। तो दोस्तों कोणों के आधार पर, आंतरिक कोणों के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो क्या खासियत है दोस्तों इस समकोण त्रिभुज की, तो इस समकोण त्रिभुज में मैंने आपको पहले भी जब कोण बताया था तो मैंने आपको बताया था कि समकोण क्या होते हैं। तो समकोण वैसे कोण होते हैं जिसमें 90 अंश बनता है, 90 अंश का कोण बनता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यह ऐसे त्रिभुज होते हैं जिसमें 90 अंश का कोण बनता है। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इसमें एक 90 अंश का कोण बनता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, समकोण त्रिभुज। मतलब इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, जिसमें एसी जो है इसे हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, जो बीसी है इसे हम आधार मान लेते हैं।
और जो हमारा ए बी बचता है इसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये तीन आपको शब्दावली क्यों बताई। मैंने इसलिए बताई क्योंकि यही समकोण त्रिभुज से हमारा एक प्रमेय निकल के आता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो ये जो तीन चीजें होती हैं, हमारा कर्ण, हमारा आधार, सॉरी हमारा कर्ण, हमारा आधार और हमारा लंब, इनके बेसिस पे, और ये खाली किस में बन सकता है, ये खाली समकोण त्रिभुज के ही जब भी सवाल आपको दिए जाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कर्ण, लंब और आधार, इनके बेसिस पे आपसे किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से पाइथागोरस ने यह प्रमेय दिया था कि जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है हमारा, वह आधार का वर्ग या आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर या वर्ग, इसके बराबर होता है। तो क्या उन्होंने प्रमेय दिया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये प्लस का साइन यहां लगा लेते हैं हम लोग। तो ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय से आपको बहुत सारे सवाल अभी देखने को मिलेंगे आगे, जिसके आधार पे सवाल बनाए जाते हैं या सॉल्व किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें ये होती हैं समकोण त्रिभुज में। क्या ध्यान रखने वाली चीज थी कि इसमें एक 90 अंश का कोण होता है और इसके आधार पर एक पाइथागोरस का थ्योरम होता है जो हम पढ़ते हैं, कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं दूसरा क्या प्रकार है कोणों के आधार पर त्रिभुज का। तो जो दूसरा प्रकार होता है हमारा वह होता है न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है? तो दोस्तों जो ये न्यून कोण त्रिभुज होता है इसमें ध्यान रखने वाली चीज होती है कि इसमें सभी कोण, जितने कोण इसके आंतरिक कोण बन रहे हैं, इसमें सभी आंतरिक कोण जो होते हैं वह, इसमें सभी कोण या आंतरिक कोण जो होते हैं वह 90 अंश से, 90 अंश के कोण से छोटे होते हैं। तो क्या ध्यान में रखना है हमें, इसमें सभी कोण जो होते हैं वह 90 अंश से छोटे होते हैं। तो इसका हम डायग्राम देख लेते हैं, ये डायग्राम हो सकता है इसका, यह भी 90 से छोटा है, यह भी 90 से छोटा है और यह भी 90 से छोटा है, या इस तरीके से भी इसका डायग्राम हो सकता है, यह भी हमारा डायग्राम जो हो सकता है, यह भी न्यून कोण त्रिभुज को बताता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे न्यून कोण त्रिभुज की, ये हमारा दूसरा प्रकार हो गया। अब हम तीसरे और आखिरी प्रकार की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं वह क्या है हमारा त्रिभुज। तो हमारा जो तीसरा प्रकार है वह है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी खासियत क्या होती है दोस्तों? तो इसकी खासियत ये होती है कि इसमें कोई भी एक कोण, कोई भी एक कोण जो होता है, कोण 90 अंश से बड़ा होता है। ठीक है, तो कोई भी, जैसे तीन कोण होते हैं हमें पता है, एक त्रिभुज में तीन आंतरिक कोण बनते हैं और उसमें से कोई एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा बन जाए, मतलब मान लीजिए इसका डायग्राम ऐसा मैं बना सकता हूं, तो जो ये वाला कोण होगा ये 90 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब जो ये कोण होगा ये 90 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका अधिक कोण होता है, अधिक कोण हमेशा उसमें से कोई एक कोण 90 डिग्री अंश से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी दोस्तों आंतरिक कोणों के आधार पर अगर हम त्रिभुज का वर्गीकरण करें तो तीन प्रकार के होते हैं, समकोण होता है, उसके बाद हमारा न्यून कोण होता है और तीसरा हमारा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये तीन प्रकार के हमारे त्रिभुज होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम बढ़ते हैं त्रिभुज से जुड़े सवालों के बारे में, एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है पहला प्रश्न? दिए गए त्रिभुज में AB और PR की लंबाई ज्ञात करें,
अगर ट्रायंगल एबीसी, अगर त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है ये, एक समबाहु त्रिभुज है, और हमारा ट्रायंगल पीक्यूआर या त्रिभुज पीक्यूआर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दोस्तों पीक्यू और एसी ये वैल्यू दे के रखी है मुझे, और मुझसे क्या पूछा गया है कि एबी और पीआर की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है मुझे, एबी की वैल्यू मुझे नहीं पता है यहां से, और यहां से मुझे पीआर की वैल्यू नहीं पता है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या लिखा है ये सवाल में, क्या दिया गया है कि जो त्रिभुज एबीसी है ये एक समबाहु त्रिभुज है, और हमें पता है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर एसी बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर है तो मेरा एबी भी 4 सेंटीमीटर होगा और मेरा बीसी भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो यहां से एबी कितना निकल के आ जाएगा मेरा, एबी निकल के आ जाएगा मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से बात कर लेते हैं त्रिभुज PQR की। तो त्रिभुज PQR के बारे में क्या दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज में आपको पता है कि दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो वह त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अगर इसमें PQ बराबर 8 सेंटीमीटर है तो PR बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से मेरा ये PR की वैल्यू भी निकल के आ गई और मेरी AB की वैल्यू भी निकल के आ गई। तो दोस्तों इसी तरीके के सवाल हैं ये। तो मैंने आपको दो डायग्राम एक ही साथ कर दिया और दो त्रिभुजों का एक ही साथ एग्जाम्पल दे दिया है। इसी तरीके से और भी आपके सवाल ऐसे ही हो सकते हैं, वो एक कोई त्रिभुज दे देगा, कोई भी एक भुजा की लंबाई दे देगा और कहेगा कि दूसरी भुजा की लंबाई निकालिए, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए दोस्तों तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया है, दिए गए चित्र में कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो ये हमारा चित्र है और ये किस प्रकार का हमारा त्रिभुज है, जो ये हमारा त्रिभुज है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है, क्योंकि ये जो बना रहा है ये 90° का कोण बना रहा है। तो यहाँ से जब ये पता है हमें कि एंगल B बराबर कितना है, 90° है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब इसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा और उसकी मदद से मैं AC की लंबाई ज्ञात कर सकता हूँ। और ये लंबाई मैंने आपको तीन केस बता दी यहाँ पे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार से सवाल आ सकते हैं। तो हम ये तीनों एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके देख लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले क्या दिया गया है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर। तो मुझे पाइथागोरस प्रमेय याद होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है मेरा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आधार पर अब मुझे क्या करना पड़ेगा, AC की प्रत्येक बार भुजा की लंबाई बतानी पड़ेगी। तो सबसे पहले AC का स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे पता नहीं है। आधार, आधार कितना है हमारा, BC 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर कर दिया, प्लस AB हमारा लंब कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर कर लिया। तो जब सॉल्व किया मैंने तो ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे AC स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही लिखा रहेगा, और ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा मेरा AC का स्क्वायर। अब मुझे पता है जब स्क्वायर को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25। तो यहाँ पे अंडर रूट क्या आ गया, 25। तो हमें पता है कि 25 किसका वर्गमूल है, तो 25 वर्गमूल है 5 का, तो AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर मेरा पहले केस में आ जाएगा 5 सेंटीमीटर में। तो यहाँ लिख लेता हूँ AC मेरे से यहाँ से कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो मेरा पहला आंसर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए दूसरे दो सवालों के बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि उसका क्या होगा। तो जब मैं बात करूंगा दोस्तों AB बराबर 6 और BC बराबर 8 सेंटीमीटर की, तो सेम ये वाला जो हमारा सूत्र है ये हमें ध्यान में रखना है, इसी सूत्र को पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। ये सूत्र को ध्यान में रखना है और वैल्यूज को खाली अब हमें पुट करके देखना है। तो आधार इस समय इस बार कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस हमारा लंब, लंब कितना है इस बार, 6 का स्क्वायर कर लिया मैंने, और यहाँ पे AC को मैंने फिर से ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ जाएगा मेरा 100। और मुझे पता है 100 किसका वर्गमूल होता है, तो 100 होता है 10 का वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आ गया, तो ये मेरी वैल्यू AC की ये वाले केस में कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटीमीटर को मान लीजिएगा कि यहाँ सब जगह सेंटीमीटर लिखा हुआ है।
कोई भी एक इकाई यहाँ पे मान ली हमने कि मान लीजिए सेंटीमीटर ही है जो इकाई हर जगह आ रही है। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने दूसरे प्रश्न को भी कर सकता हूँ। फिर बात कर लेता हूँ मैं तीसरे की, है ना। अब तीसरे में भी क्या करना है मुझे, खाली वैल्यूज को चेंज करना है। ये हो गया, अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करके देख लेते हैं। ये मेरे पहले का सवाल का उत्तर हो गया, ये दूसरे सवाल का उत्तर हो गया। अब तीसरे की बात कर लेता हूँ मैं, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 225 होता है, और हमारे 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 325। तो क्या 325 किसी का वर्गमूल होता है? जी नहीं, 325 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो मेरा उत्तर सीधे सीधे आ जाएगा, AC बराबर 325 सेंटीमीटर अंडर रूट, AC बराबर अंडर रूट 325 सेंटीमीटर। हम इसको और छोटे फॉर्म में लिख सकते हैं, बट उसको करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये भी लिखेंगे तो ये भी आपका उत्तर हो सकता है, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आपके समकोण के त्रिभुज के आधार पर आ सकते हैं। वो आपको कोई भी दो लंबाई दे देगा, दो भुजाओं की लंबाई दे देगा और तीसरी भुजा की लंबाई निकालने को पूछ लेगा। यहाँ पे तो हमने हर बार कर्ण के भुजा की लंबाई निकाली है, लेकिन कभी कभी वो आपको कर्ण की लंबाई दे देता है और किसी एक भुजा की लंबाई दे देगा और कहेगा आपको तीसरी भुजा की लंबाई निकालने के लिए। मान लीजिए अगर इसी सवाल में मैं कह देता कि AC बराबर 10 सेंटीमीटर है और मेरा जो AB है वो मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात करें, तो मुझे क्या करना पड़ता, मैं 10 का स्क्वायर करता, ठीक है, यहाँ 6 का स्क्वायर करता, और फिर मुझे पता है BC का स्क्वायर पता नहीं है कितनी वैल्यू होगी, ये 100 हो जाता, इसमें से 36 को घटाता, BC स्क्वायर ये आ जाता 64, और मुझे पता है 64 किसका वर्गमूल होता है, 64 होता है 8 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये आपको पूरा याद रखना है, इसी तरीके से सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, एक और बार मैं आपको बता दूं कि जो वर्ग 3 है, जी हाँ दोस्तों, वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस आपको परीक्षा ऐप में मिल सकते हैं। आप परीक्षा ऐप को कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर में जाइए, आप परीक्षा डालिए, वहाँ पे आपको परीक्षा का ऐप मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करिए और वर्ग 3 के लाइव वीडियो कोर्सेस में अपने आप को एनरोल करिए। क्योंकि दोस्तों अब बहुत ही कम समय बचा है और डेली 3 क्लासेस, जी हाँ 6:15, 7:15 और 8:15, ये 3 टाइम आपको याद रखना है। डेली 3 घंटे की क्लास लग रही है, एक एक घंटे की तीनों क्लासेस लग रही हैं, डेली लाइव क्लासेस लग रही हैं। आप जाइए वहाँ पे, आपके पूरे सब्जेक्ट, आपका गणित, आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र, आपका पर्यावरण, अंग्रेजी और संस्कृत, ये पांचों सब्जेक्ट को वहाँ कवर किया जा रहा है। 12 जनवरी से एक क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अगर आपकी पुरानी क्लासेस छूट गई हैं तो आप उनको दोबारा जाके भी देख सकते हैं। ये परीक्षा में आपको 4999 में अवेलेबल है, ये वीडियो कोर्स जो है आपको 4999 में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप शिक्षक 25, जी हाँ दोस्तों शिक्षक 25, ये कूपन कोड का यूज़ करेंगे तो आपको ये वीडियो कोर्सेस मिल जाएंगे सीधे सीधे 3749 में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही कम समय बचा है अब आपके वर्ग 3 के एग्जाम के लिए, तो जल्द से जल्द जाइए आप इसमें एनरोल करिए और जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको एग्जाम के पहले ही क्लियर कर लीजिए, और लाइव सेशन में आप फैकल्टी से अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और उनका आपको जवाब तुरंत उसी समय मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और MP परीक्षा के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों ऐसे और वीडियोज़ के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।